मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, आपको नाका ब्लेड डाली यानी कि स्पॉन फ्रॉग डोंग ये सब कुछ बनाना जाता है, तो ये भी मुझसे बनाता है। ये हमारा आउट लैंग्वेज में इसको रियांग बेम्बू बोलता है, रियांग। और ये बेम्बू जो है इतना सख्त भी नहीं होता है, नरम भी नहीं होता है, मीडियम वाला होता है। ये बेम्बू जो है इस तरह है, ये बेम्बू से बनाने से गर्म नहीं होता और बनाना में बहुत ईजी होता है, ये थोड़ा नरम होता है, इसलिए मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। ये बेम्बू बहुत अच्छा होता है, क्या क्या आपको डिज़ाइन बनाना चाहता है सब कुछ यही बेम्बू से बना सकता है। ये बहुत अच्छा है ये बेम्बू। और आपको बेम्बू का रूप से बनाना चाहता है तो यही बेम्बू से बनाएगा, जो बीजी लहसुन निकाला है घूम लिया नरम से ही बनाएगा बेम्बू रूप से। बेम्बू का स्पून बनाने के लिए पहला इस तरह बेम्बू को अच्छी तरह से काट के रखना है। ये बेम्बू का स्पून बनाने के लिए बेम्बू का नाम है रियांग, रियांग बेम्बू बोलते हैं। और ये बिचला सल जो नया निकाला है वो ही बेम्बू से बनाएगा, वो गुमलिया से नरम से, वो बुराना से बनाने से टूट जाएगा। और ये काटने का बाद में आपको कौन सा साइज बनाना है ये तो अपना ऊपर में होता है, ये बनाने के लिए तो साइज जो है अपने हिसाब से काटना है, अपने हिसाब से बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ मेजरमेंट नहीं देता, ना भी करके नहीं दिखाता हूँ, वो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। पहला आगे को अच्छी तरह से साफ कीजिएगा। अभी जो बेम्बू का स्पून बनाना है इसलिए अभी शुरू करना है, तो मैंने जैसा दिखाया इसी तरह वो बेम्बू आकस नीचे से ही इस तरह कटिंग करना है। उसके बाद में खड़ा रख के मैंने जैसा दिखाया इसी तरह धीरे धीरे से उसको काट के फेंकना चाहिए। पहले इसको अच्छे से काटना है, उसके बाद धीरे धीरे से लाही लाही इसको फेंकना है, बहुत नरम से करना पड़ता है, हार्ड पकड़ने से खराब हो जाएगा। पहला इसका राउंड बनाने का बाद में वो ऊपर में पिकना है, वो स्पून कितना साइज लेना है, पहला उसका साइज मैंने बना लिया, अभी वो रेडी हो गया। उसके बाद में अभी ऊपर वो ऊपर में काटना है, पहला इसको साइजिंग करने का बाद में ऊपर में काटने से अच्छा होता है, ये तो ऊपर में काटने का बाद यहाँ साइजिंग करने से वो दो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने जैसा दिखाया इसी तरह पहला इसको बनाना चाहिए, उसके बाद में वो माता को फेंकना चाहिए। देखिए अभी धीरे धीरे से इस तरह फेंकना चाहिए ताकि खराब नहीं हो। इस तरह फेंकना चाहिए, उसके बाद में फिर भी धीरे धीरे से साजिंग करना चाहिए। अभी मैंने ऊपर का भी साजिंग कर दिया, तो अभी ये चमड़ा को फेंकना है, ऊपर का चमड़ा को, क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसलिए चमड़ा को थोड़ा हल्का करके फेंकना चाहिए पहला, उसके बाद में इसका राउंड साइजिंग आराम से कर सकते हैं। इस तरह पहला इसका ऊपर का चमड़ा को करना चाहिए ताकि आराम से उसका शेप निकल जाएगा। अभी मैंने यहाँ पूरा चमड़ा फेंक दिया ऊपर का, अभी थोड़ा इधर में फेंकना है। और वो बाहर का चमड़ा पूरा फेंक दिया तो अभी इसको साइजिंग करने में बहुत आसान होगा। अभी इस तरह है इसको उदाव से धीरे धीरे से साइजिंग कर दिया जाएगा तो आराम से निकल जाएगा स्पून। इतना अच्छे से सजिंग हो गया तो धीरे धीरे से इसको सजिंग करना पड़ेगा, अभी आराम से निकल जाएगा। इस तरह करने से खराब भी नहीं होगा और आप जो चाहिए
कौन सा डिजाइन में चाहिए कौन सा, आप से ये कर सकते हैं आराम से। तरादारी करना नहीं चाहिए, इतना लाही लाही से धीरे धीरे करेगा इतना ही अच्छा निकलेगा, इतना खूबसूरत दिखने में। और इस्तेमाल करना भी बहुत अच्छा होगा, इस तरह ही साइजिंग करते रहना है। वो ऊपर का तो साइजिंग ठीक ठाक कर दिया अभी, तो अभी इसको उसका शेप निकलने के लिए, इसका एक सही होने के लिए, या में आग है ना, तो आग से तार स्लाइड करके काट के आना पड़ता है आग का सामने से, ताकि देखने में खूबसूरत होगा। इस्तेमाल करना भी बहुत अच्छा होगा। इस तरह यहाँ में आग है तो यहाँ से धीरे धीरे से काटना है अच्छा था उसे। इस तरह आगे से नीचे कितना साइज लेना है वो ठीक ठाक ले लिया। अभी इसको थोड़ा बाद में अच्छी तरह से वो नाइफ से साइजिंग करना है, तो अभी उससे पहले हिंदू का पहला बनाता हूँ। कौन सा साइज चाहिए आपको, तब तक से बनाना नहीं चाहिए, लाही लाही से बनाना चाहिए। अभी मैंने हैंडल का भी कंप्लीट हो गया, तो कौन सा साइज चाहिए कितना लंबी चाहिए अपने हिसाब से कटिंग करना है। यहाँ से लेता हूँ, मैंने यहाँ से ले लिया हैंडल। इसके बाद में अच्छी तरह से साइजिंग करो। इस तरह पहला इसको इसको अंदर में इस तरह बिकना चाहिए, साइजिंग सही होना चाहिए। इस तरह धीरे धीरे से इसको अच्छे से साइजिंग करना चाहिए नाइफ से। इस तरह साइजिंग करने से खूबसूरत निकलता है, अच्छा होता है, दिखने में भी अच्छा है, इस्तेमाल करना भी बहुत अच्छा होता है। अभी देखिए मैंने अभी तो टिक टक हो गया उसका साइज, तो मैंने सब तक टिक टक बना दिया सुबह। वो अभी थोड़ा साइजिंग करने का बाकी है, तो वो साइजिंग करने से पहले आपको हैंडल कौन सा डिज़ाइन में चाहिए। अब अगर आपको ये हैंडल जो है डिज़ाइन में चाहिए, तो इसको थोड़ा आग में खुरम करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको धीरा चाहिए ना सीधा चाहिए, उसी तरह थोड़ा आग में खुरम करने का बाद में ये हैंडल को डिज़ाइन बनाना है। इसलिए मैं वो भी दिखाता हूँ आप सभी को, किस तरह खुरम करके किस तरह धीरा करना है। इस तरह आपको मैं थोड़ा खुरम करना है हैंडल को, ताकि आप कौन सा डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन अपने से निकल जाएगा। गर्म करने का बाद में आप अपना से हाथ से अदुंग से वो इस तरह डिज़ाइन बनाना है, उसी तरह बनाना है। मैंने गर्म कर दिया, उसके बाद में अभी डिज़ाइन बनाने को है। इसको थोड़ा बीच साइड से धीरा करने से डिज़ाइन हो जाएगा। आपको मैं गर्म करने का बाद में इस तरह डिज़ाइन बनाना है, इसको आसान है बहुत। अभी देखिए मैंने डिज़ाइन दे दिया हैंडल का, इतना अच्छा है दिखना में, इतना खूबसूरत। हमें नुकसान लगाना है देखना में सुंदर के लिए, तो मैं आप किस तरह लगाता है मैं आप सभी को दिखाएगा। वो उसके बाद में हमें चेक करना है कैसे के रखने के लिए, देखो इस तरह बनाता है इतना अच्छा है, सब चीज़ हाथ से उतारने से कितना अच्छा है। हम लोग नाका लोग जो है पहला फोर फादर टाइम से इस तरह इस्तेमाल कर गया, या बेम्बू से इस तरह अभी भी है, बहुत सा आदमी ये इस्तेमाल करता है ये बेम्बू का है। कैसे के रखने के लिए पहला ओल करता हूँ, चेक करेगा, अभी चेक कर दिया मैंने ये कैसे के रखने के लिए। अभी आपको यहाँ में ये स्पॉन संतुर होने के लिए, संतुर टेकने के लिए आपको डिज़ाइन देना चाहते हैं यहाँ में नुस्खा, कौन सा डिज़ाइन कौन सा फिट नसी तले। और मैं अपना डिज़ाइन में अभी डाल के दिखाता हूँ, ये लोहा को गर्म करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ किस तरह डिज़ाइन करना है। मैंने डिज़ाइन भी फूल भी दे दिया, तो दिखना में कितना खूबसूरत है, इस तरह फूल देता है, देखो कितना नुस्खा। इस तरह चीनी से आप बनाने से डिज़ाइन आप नशे डालेगा, ये भी अपना हिसाब से तला हुआ है, देखिए कितना अच्छा है। अभी इसको कंप्लीट हो गया है, इसको कंप्लीट हो गया, अभी इसको शीश पेपर मारेगा अच्छी तरह से। शीश पेपर मारने का बाद में ताजपूत लगाएगा, ताजपूत लगाने से सबसे बेहतर होता है, क्योंकि बेम्बू अनसीजन का होने से भी ताजपूत लगाने से गहरा नहीं दुखेगा और खराब नहीं होगा, हमेशा अच्छा ही रहेगा और इतना दिखना में भी खूबसूरत होगा। इसलिए हो सकने से ताजपूत लगाने से अच्छा है, और ताजपूत लगा के अब आराम से इस्तेमाल भी कर सकता है, कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, इसलिए सबसे वह बेहतर होगा। अभी इस तरह धीरे धीरे से इस पेपर मारना है। अभी देखिए अभी मैंने वो शीश पेपर मार के पूरा फिनिशिंग कर दिया है, इतना खूबसूरत से सजावट किया है।
उसके बाद में आपको ज़्यादा देरी इस्तेमाल करना है तो ये ताजपूत लगाने से बहुत अच्छा होगा। कितना ताजपूत लगाएगा इतना खूबसूरत दिखेगा और लास्ट भी वो भी अच्छा होगा। और आपको ताजपूत लगाना नहीं चाहता है तो ऐसा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने बहुत डिज़ाइन का बनाया है तो यहाँ में बहुत डिज़ाइन का मिलेगा आपको। तो नहीं दिखाएगा आप लोगों को ताजपूत किस तरह लगाता है, वो ताजपूत लगाने का बाद में किस तरह है वो भी आप सभी को दिखाना है। और यहाँ में डिज़ाइन देना नुकसान ये तो अपना ऊपर में होता है, और लंबा चौड़ा लंबी कत्था करना भी वो अपना ऊपर में होता है। आप किस तरह बनेगा वो तो अपना हिसाब से बनेगा, वो जब आप बन सकेगा उसके बाद में तो अपना फैशन हिसाब से बनेगा। उसके बाद देखिए मैंने दिखाएगा आप सभी को वो किस तरह है ताजपूत भी ये लगाना है तो सो भी चक्कर में अंदर बाहर सो भी लगाने से देखना में खूबसूरत होगा और बहुत लास्टिंग होगा। और ताजपूत लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कुछ आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। हम लोग उसी तरह ही इस्तेमाल करता है। और अभी मैंने ताजपूत किस तरह लगाता है लगाने का बाद सूखने का बाद में वो सूखा ताजपूत लगा हुआ और नहीं लगा हुआ वो सब भी आप लोग को दिखाएगा, इसलिए अच्छे से देखते रहना। इस तरह ताजपूत मारना है, मारने के बाद सूखने का बाद आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ताजपूत मारने से ही देखना में खूबसूरत होता है और बहुत लास्टिंग होगा। आपको बहुत देर इस्तेमाल करना है तो ताजपूत लगाना चाहिए, कभी यहाँ कीटाणु भी नहीं लगेगा यहाँ। अभी ताजपूत मारने का बाद में इस तरह सुखा के रखना है तो अच्छी तरह से सूखने का बाद में आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक ही मारा है तो मारने का बाद सारी मारने का बाद किस तरह सूखने का बाद किस तरह है, मैंने वो ताजपूत मारा हुआ बिना मारा हुआ सभी आप लोग को दिखाएगा, इसलिए अच्छे से देखते रहना। अभी आप लोग आराम से देख सकते हैं मैंने जो बिना ताजपूत लगा हुआ है ये, और ये ताजपूत लगा के अभी सूख गया है। देखिए इतना खूबसूरत देखना में वो जो ताजपूत लगाया है तो इस तरह बनता है। आपको ताजपूत लगा के इस्तेमाल करने से सबसे वही बेहतर होगा और ज़्यादा लास्टिंग भी होगा। देखिए इतना खूबसूरत है देखना में, और ये बिना ताजपूत लगा हुआ इस तरह बनता है, कितना खूबसूरत है। आप इसी चटनी भी बना सकते हैं, वो मिर्ची दुमत और मेहनत करना बहुत अच्छा होता है। ये अंतर मिट्टी के इतना ब्लेन है इसलिए आप लोग भी बनाने से इस तरह बनाना चाहिए। और चाबी बनता है और आप लोग बन सकने से ये स्पून बेम्बू का स्पून जो है बन सकने से मैंने जिस तरह डिज़ाइन बनाया है आप लोग भी इस तरह अपना हिसाब से डिज़ाइन बनाने से तो बहुत अच्छा होगा। और नुस्खा देना भी इस तरह ही देना है, ठीक है। मैंने जो नुस्खा दिया हुआ है बहुत अलग किस्म से दिया हुआ है, सभी अलग टाइप का है, ठीक है। आप लोग सभी देख रहा होगा इस तरह ही देता मैं। देखिए आप अपना घर में हो यानी कि पार्टी में हो ओकेशन में हो इस तरह फूल में सब्जी डालने का बाद में इस तरह रख के आप आराम से सब्जी निकाल के यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है दिखना में, इतना खूबसूरत है। और ये आप खुद जानबूझकर इसको खराब नहीं करने से ये अपना सिक्का भी नहीं टूटेगा। ये बेम्बू बहुत अच्छा है इसलिए ये बनाने का बात आसानी से खराब नहीं होता। हम लोग पचपन में बनाओ अभी भी घर में इस्तेमाल करते हैं ना अच्छे से। देखिए कितना खूबसूरत है, इस तरह से भी रख सकते हैं आराम से। इस तरह है हमारा नकल लोग ये बेम्बू का स्पून इस्तेमाल करते हैं अभी भी घर में अपना घर में। ठीक है कितना खूबसूरत है, इसलिए आप लोग भी मैंने जो दिखाया है किस तरह मैंने बनाने को कहा है इस तरह बन सकने से इस्तेमाल करने से सबसे अच्छा होगा हम सब के लिए। अगर आपको ये स्पून को ऊपर में कस के रखने के लिए चार दिन चाहता है तो इस तरह कटिंग करके रखना चाहिए। उसके बाद में इस तरह मैंने जैसा बनाया इस तरह बनेगा, वो एलुमिनियम से डार्क जो एलुमिनियम होना चाहिए उसके बाद में यहाँ ऐसा डाल के आप एक उचाल में हो गिले में हो उचाल में जहाँ भी ऐसा कस के रख सकते हैं। ठीक है कितना खूबसूरत है, इस तरह रखने से बहुत अच्छा होगा। अगर इस तरह रखना नहीं चाहता है तो आप यहाँ भी ओल है तो यहाँ से उचल में तारीख कस के रख सकते हैं अपना मर्जी।
अपना आइडिया से होता है ये सब कुछ, ये बहुत अच्छा होता है। सभी टीका होगा अच्छा से। हेलो गाइस, और भी मैं इतना अच्छा अच्छा टिकाने वाला हूँ, इसलिए मेरा वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आज के लिए इतना है, जय हिंद।